तो फ्रेंड्स, आज का पहला ट्रांसलेशन है, यह एक घर है। यह का लिखेंगे दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस। दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? दिस के साथ इज लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। एक का लिखेंगे ए, और घर का होता है हाउस, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउस। दिस इज अ हाउस, यह एक घर है। उसके बाद दो नंबर में लिखेंगे, वह एक स्कूल है। तो दोस्तों, वह के लिए दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट। दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब में इज लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। एक का लिखेंगे ए, स्कूल का लिखेंगे स्कूल। दैट इज अ स्कूल, वह एक स्कूल है। उसके बाद लिखेंगे, यह एक कलम नहीं है। यह का लिखेंगे दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस। दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब में इज लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। नहीं का लिखेंगे नॉट। एक का लिखेंगे ए, कलम का लिखेंगे पेन। दिस इज नॉट अ पेन, यह एक कलम नहीं है। इसी सेंटेंस को यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो बन जाएगा, क्या यह एक कलम नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह से पहले क्या लगा हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज को पहले लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा इज। यह का लिखेंगे, यह का होता है दिस, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस। नहीं का लिखेंगे नॉट। एक का लिखेंगे ए, और कलम का लिखेंगे पेन। इज दिस नॉट अ पेन, क्या यह एक कलम नहीं है। पाँच नंबर में, क्या वह एक किताब नहीं है। क्या वह एक किताब नहीं है। तो फ्रेंड से वह का होता है दैट। वह से पहले क्या है, इसलिए इज को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। वह के लिए दैट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट, इज दैट। नहीं का लिखेंगे नॉट। एक का लिखेंगे अ, और किताब का हो जाएगा बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे बुक। इज दैट नॉट अ बुक, क्या वह एक किताब नहीं है। तो फ्रेंड्स, सिक्स नंबर में लिखना है, क्या वह एक दुकान है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को दिस और दैट का यूज समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।